समाज सेवी अनिल रायपुर के नेतृत्व में डॉक्टर कृष्ण कुमार का बोल विधानसभा क्षेत्र में भव्य स्वागत। देखिए रेवाड़ी से आदर्श शर्मा की रिपोर्ट। रेवाड़ी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह यादव के साथ साथ भाजपा नेता सतीश खोला व अजय पाटोदा ने चुनाव प्रचार में झोंकी पूरी ताकत। जनसंपर्क अभियान के दौरान नेताओं को सुनने के लिए उमड़ रही है ग्रामीणों की भारी भीड़। सतीश खोला व अजय पाटोदा थे टिकट के प्रबल दावेदार। अब नेताओं के लक्ष्मण सिंह यादव को जिताने के लिए कसी कमर। आज करीब आधा दर्जन गांवों में किया जनसंपर्क। ग्रामीणों ने फूल मालाओं से किया जोरदार स्वागत। इस मौके पर लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा, मतदाताओं में एक बार फिर से कमल खिलाने का है जोश व उत्साह। लगातार लोगों को मिल रहा है जन समर्थन। हिसार के सांसद जयप्रकाश द्वारा सीनियर सिटीजन को लात मारने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, जनता सब कुछ देख रही है, सरकार बनने से पहले ही मार रहे हैं लात, सरकार बनने पर क्या करेंगे यह जान गई जनता। सतीश खोला व अजय पाटोदा ने लक्ष्मण सिंह यादव को भारी मतों से जिताने की अपील। लक्ष्मण सिंह यादव के साथ भाजपा हुई संगठित। मैदान में पूरी तरह से जुट गए हैं भाजपा के लड़ाके। भाजपा पूरी तरह से दिखने लगी संगठित। और अब राजनीति में आकर सेवा देना चाह रहे हैं तो क्या माहौल दिखाई दे रहा है, लोग क्या लग रहा है जनता? देखो जनता को भी मैं यहाँ पे पहले सीएमओ के पद पर दो बार रह चुका हूँ तो तकरीबन सभी लोग मुझे इस जिले के वाकिफ हैं और सभी जो मेरे कार्यशैली थी उससे भी वाकिफ हैं। अब मैंने चिकित्सा क्षेत्र में जो मेरे से बन सकता था मैंने काफी किया तो उसके बाद जैसे कि आपने अभी देखा लोगों ने ढोल नगाड़े उसे स्वागत किया है, डीजे से स्वागत है, फूल माला उसे और उन्हें तोला है। इससे आप सभी लोगों को माहौल पता लगता है लोग कितने इच्छुक हैं और आने वाले 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से जीत पाएंगे। आपके साथ एक प्रत्याशी जो है वो पहले भी यहाँ मंत्री रह चुके हैं और मेरे ख्याल में मुकाबला भी कांग्रेस से है, किस तरह से देखते हैं आप उस प्रत्याशी को? देखो मेरा मुकाबला मैं मानता हूँ, जिस तरह आपने जनता जनादेश देखा है तो मेरा किसी से मुकाबला नहीं है क्योंकि लोग भारी बहुमत से जनादेश से मेरे साथ। एक कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भाजपा ने जो मैनिफेस्टो जारी किया वो उसे कॉपी पेस्ट किया है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी उसकी हमेशा नीति नियत साफ होती है। जब नियत ईमानदारी साफ हो तो नीति हमेशा ठीक बनती है। पहले भी आपने 10 साल का कार्यकाल देखा है तो जनता ने जनादेश दिया, पहले 5 साल 10 साल और तीसरी बार भी केंद्र में आपके सामने सरकार है तो ऐसा कुछ नहीं है और धरातल वही काम करती है। तो सर जो बड़ी घोषणा की है मैनिफेस्टो के अंदर आखिर इतना पैसा आएगा कहां से? बजट कहां से? देखो बजट क्योंकि केंद्र सरकार ने जैसे मैनिफेस्टो ये जो हमारे शीर्ष नेता करते हैं तो बजट जो उसके बाद सरकार बनती है तो उनके पास सारा बजट का हिसाब का लेखन जो करने के बाद किया जाता है। एक तरह का कितना आश्वासन, कितनी चुनौतियां? फिलहाल मेरे पास कुछ नहीं है सब, लेकिन सरकार बनेगी भाजपा तो जरूर जैसे 10 साल पहले काम किया उससे ज्यादा अच्छा काम करेगी।